दोस्तों फोन पे एक यूपीआई एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर भी आप घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे फोन पे एप्लीकेशन पर अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, अपने बैंक अकाउंट को फोन पे एप्लीकेशन में किस तरीके से लिंक किया जाता है, यूपीआई पिन क्या होती है और इसको किस तरीके से बनाया जाता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, वीडियो पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन पर अकाउंट बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आपको हमारी वीडियो का टाइटल दिखाई देगा, आपको करना क्या है, वीडियो के टाइटल पर इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ दिखाई देगा फोन पे ए फॉर एंड्रॉइड। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो लिंक दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पर, और दोस्तों यहां पर आपके सामने आ चुकी है फोन पे ऐप। तो आपको करना क्या है, फोन पे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों हमने फोन पे एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो हम इसे डायरेक्ट यहां से ओपन कर देंगे। तो चलिए हम फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे कि फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें फोन पे एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, आप जो यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे वो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो चलिए हम यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमने यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि दोस्तों यहां पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमसे कुछ परमिशन मांगी जाती है, तो हम इसे अलाउ कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाता है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है ऑटोमेटिक यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने अकाउंट के अंदर आ चुके हैं, अब हमें यहाँ पर एक परमिशन पूछी जा रही है तो यहाँ पर हम इसको भी अलाउ कर देंगे। अब दोस्तों जैसे कि हमने फोन पे एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है, अब हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें अपना बैंक अकाउंट फोन पे से लिंक करना होगा। तो फोन पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट को किस तरीके से लिंक किया जाता है आइए जानते हैं। तो जैसे कि हम दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन में आएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा एड यूर बैंक टू स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी। तो यहाँ पर आपको नीचे एड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको एड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब जैसे कि दोस्तों प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सभी पॉपुलर बैंक आ जाएंगे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है आपको वो बैंक यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पंजाब नेशनल बैंक का अपना अकाउंट लिंक करेंगे, तो हम क्या करेंगे पंजाब नेशनल बैंक वाले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक मैसेज सेंड किया जाता है हमारे मोबाइल नंबर से। अब दोस्तों बैंक अकाउंट को लिंक करते समय यहां पर एक SMS भी सेंड किया जाता है, तो इसीलिए आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर बैलेंस भी होना चाहिए, यानी कि अनलिमिटेड रिचार्ज होना चाहिए जब ये SMS सेंड होगा। अब जैसे कि दोस्तों SMS सेंड हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारी बैंक की डिटेल है आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे आपका ब्रांच, आपका नेम, आपका IFSC कोड यहाँ पर दिया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको UPI ID भी दिखाई दे जाएगी, यहाँ पर आप UPI ID को एडिट भी कर सकते हैं, तो वो आगे हम एडिट करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोसीड टू एड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे हमारा जो बैंक अकाउंट है लिंक हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी UPI पिन को सेट करना होगा, तो अगर आप जानना चाहते हैं UPI पिन को किस तरीके से सेट किया जाता है तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे हमें सेट UPI पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे सेट UPI पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों UPI पिन को सेट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपके डेबिट कार्ड पर जो नंबर लिखे होते हैं उसके लास्ट के 6 डिजिट आपको यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद आपकी जो वैलिड डेट होती है डेबिट कार्ड पर लिखी हुई वो आपको यहाँ पर डालनी है, और इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों चलिए हम अपने डेबिट कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर डाल के प्रोसीड पर क्लिक करके दिखाते हैं। अब जैसे कि दोस्तों हमने प्रोसीड पर क्लिक किया तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाता है, वो OTP कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे हमारा OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ATM की जो पिन होती है वो यहाँ पर डालनी है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी ATM की पिन यहाँ पर डालेंगे, और इसके बाद यहाँ पर चेक जो निशान दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपनी ATM पिन जो हमारी डेबिट कार्ड की पिन होती है जब आप कैश निकालते हैं वो पिन आपको यहाँ पर डालनी है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी पिन डाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी ATM पिन डाल दी है, अब हम चेक पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे कि हम चेक पर क्लिक करेंगे अब आप यहां पर अपनी एक नई UPI पिन बना सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप 6 अंकों की एक UPI पिन बना सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। तो चलिए हम यहां पर एक 6 अंकों की पिन आपको बनाकर दिखाते हैं। अब दोस्तों यहां पर हमने 6 अंकों की अपनी एक UPI पिन बना ली है, अब हम क्या करेंगे चेक मार्क पर क्लिक करेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर हमें दोबारा से कंफर्म करना होगा, हमें यहाँ पर एक बार फिर से यूपीआई पिन डालनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने दोबारा से अपनी यूपीआई पिन डाल दी है, इसके बाद हम चेक पर क्लिक करेंगे और जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यूपीआई पिन सक्सेसफुल सेट। तो दोस्तों जो हमारी यूपीआई पिन है यहाँ पर सेट हो चुकी है, अगर आप यहाँ से रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी यूपीआई पिन सेट हो चुकी है, अब हमें बनानी है अपनी यूपीआई आईडी। तो दोस्तों यूपीआई आईडी किस तरीके से बनाते हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों यूपीआई आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर प्रोफाइल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे कि हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें नीचे पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिखाई देगा यूपीआई आईडी। तो हमें करना क्या है, हमें यूपीआई आईडी पर क्लिक करना है। अब जैसे कि दोस्तों हम यूपीआई आईडी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें तीन यूपीआई आईडी दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे पहली वाली जो हमें दिखाई दे रही है हम इसे एक्टिवेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे कि हम एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर से दोबारा से एक एसएमएस सेंड किया जाएगा और दोस्तों इसका चार्ज भी लगने वाला है। तो याद रखें आपका जो रिचार्ज है वो अनलिमिटेड वाला होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एसएमएस है सेंड किया जा रहा है। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो मैसेज है यहाँ पर सेंड हो चुका है और दोस्तों हमारी जो यहाँ पर यूपीआई आईडी है वो सेट हो चुकी है। तो दोस्तों फाइनली आपका फोन पे एप्लीकेशन पर अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, आपने बैंक अकाउंट को भी लिंक करना सीख लिया है, आपने यूपीआई आईडी भी बनाना सीख ली है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप फोन पे एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप अपना मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी बिल जमा करना चाहते हैं तो आप फोन पे एप्लीकेशन से कर सकते हैं। अगर आप इन सभी की डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने चैनल पर पहले से ही फोन पे एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को ऐड कर रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।